हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडू जोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द यूज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन का किस तरीके से यूज किया जाता है इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कंजक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजक्शन पूछा जाता है। तो एक व्यूअर ने कहा था कि आप कंजक्शन पे वीडियो बनाइए, और तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको कंजक्शन को मैं समझाने जा रहा हूँ कि आपके कंजक्शन का यूज किस तरीके से किया जाता है। अब इसमें टाइप आए तो पूछा नहीं जाएगा, तो सीधे मैं यहाँ पर आके सीधे यूजेस पे फोकस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे किस तरीके से इसे हमें यूज करना है। तो अब आपको बताते हैं इसमें किस तरह से इसको यूज करना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से एंड मिस होता क्या है। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। तो एंड मिस और होता है, बोथ माने दोनों होता है, ऑल्सो भी के लिए हो गया, एज वेल एज एंड के जैसे ही यूज किया जाता है, नॉट बट ऑल्सो ना केवल बल्कि, ठीक। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, स्टूडेंट्स एज वेल एज दियर टीचर्स वेंट टू दिल्ली। तो स्टूडेंट्स और उनके टीचर went to Delhi, दिल्ली गए। तो students as well as and students और उनके teachers, their teachers went to Delhi। तो as well as बिल्कुल and जैसा ही हुआ, students के साथ साथ या students के साथ साथ जो teachers थे वो भी दिल्ली गए। तो students and their teachers went to Delhi। मोहन वॉज बोथ बिटन एंड एब्यूज। अगर आपको लगता है दोनों का अर्थ निकल रहा है तो आपको कंजक्शन लगाने के लिए, फिल करने के लिए आपको मीनिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। मोहन को पीटा और एब्यूज किया गया, तो मोहन को दोनों चीज़ की गई, बिटन भी किया गया और एब्यूज भी किया गया। नेक्स्ट, तो कम्युलेटिव कंजक्शन जिसमें दोनों का यूज होता है, दोनों का यूज होता है। और अब अल्टरनेटिव कंजक्शन वो है जिसमें होता है चॉइस होती है, मतलब दो में से कोई एक। जैसे यहाँ पर जैसे इधर कीप क्वाइट और लीव द रूम, या तो इधर और माने हुआ इधर और या आइदर और दोनों बोला जाता है। इस तरह से नीदर नॉर या नाइदर नॉर दोनों बोला जाता है। इधर और का मतलब हुआ या तो, या नीदर नॉर का मतलब हुआ ना तो ना। इधर कीप क्वाइट, या तो शांत बैठो, और लीव द रूम या कमरा छोड़ दो। नीदर मोहन, ना तो मोहन, ना सोहन केम हियर, यहाँ आया, ठीक। एडवर्सेटिव कंजक्शन, बट ओनली हाउएवर नेवरदलेस, फिर भी, ठीक है। बट लेकिन, ने ओनली केवल, हाउएवर फिर भी कुछ भी हो, नेवरदलेस तथापि। जैसे यहाँ पर देखें, ही इज स्ट्रांग बट यू आर वीक। अगर आपको लगता है कि अपोजिट चीज बातें कही गई है, ही इज स्ट्रांग, वह स्ट्रांग है लेकिन तुम कमज़ोर हो। तो दोनों अलग अलग हैं व्यक्ति, ही इज स्ट्रांग, वह तो स्ट्रांग है लेकिन तुम कमज़ोर हो। तो यहाँ पर बट आ गया, मीनिंग निकाल के क्लियर होगा। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, हाउएवर ही फेल्ड, फिर भी वह क्या हो गया, फेल हो गया। इलेटिव कंजक्शन, सो देन देयरफॉर फॉर, जिसमें रीजन हो, ठीक है। सो माने इसलिए, देन माने तब, देयरफॉर इसलिए, फॉर क्योंकि के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही वॉज लेट, वह लेट हो गया था, इसलिए ही वॉज बिटन, इसलिए उसकी पिटाई लगी। लेट अस गो बाय कार, चलो कार से चलते हैं, फॉर क्योंकि, वी आर ऑलरेडी लेट, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तो फॉर एज ए कंजक्शन होता है, एज ए प्रीपोजिशन के लिए मीनिंग रखता है, लेकिन फॉर के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, वी आर ऑलरेडी लेट, तो इसलिए यहाँ पर मतलब क्योंकि है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये होते हैं डिपेंडेंट कंजक्शन होते हैं, ये आश्रित क्लॉज पर लगते हैं, जैसे आफ्टर, इफ, दैट, बिकॉज, दो, ऑल दो, टिल, बिफोर, एज, अनलेस, ठीक है। तो आफ्टर माने हो गया के बाद, इफ माने यदि, दैट माने की, बिकॉज माने क्योंकि, दो माने यद्यपि, ऑल दो माने यद्यपि, ठीक है, दो और ऑल दो सेम ही होता है, टिल माने जब तक, तक, बिफोर पहले, एज, अनलेस, अनलेस माने होता है इफ नॉट, मतलब यदि नहीं तो, वैन माने कब, वेयर, वाई, वैन माने कब हो जाता है, जब, जुड़ते समय, वेयर का मतलब वैसे होता है कहाँ, लेकिन जुड़ते समय हो जाता है जहाँ, वाई माने होता है क्यों, लेकिन वैसे हो जाएगा जिस कारण से, एल्स अन्यथा, हाउ जिस प्रकार से, देन ज़्यादा के लिए जब कंपैरिजन होता है, अनटिल जब तक नहीं।
तो प्लीज वेट हियर टिल दे कम, तो यहाँ पर क्या मीनिंग बता रहा है, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ इंतजार करना, दे कम जब तक वे आते हैं, जब तक वे आते हैं तब तक उनका इंतजार करो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट फर्स्ट क्लास, अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास आना है तो यहाँ कंडीशन है, वर्क हार्ड मेहनत करो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द फर्स्ट क्लास। द गर्ल इज वीपिंग, लड़की रो रही है, बिकॉज हर फ्रॉक, क्योंकि उसका जो फ्रॉक है ठीक है, उसका जो कांटे वाली चम्मच है इज टॉर्न, वो टूट गई, सॉरी ये कुछ और है, सॉरी द गर्ल इज वीपिंग, लड़की रो रही है क्योंकि उसकी जो फ्रॉक है वो टॉर्न है, वो फट गई है। फिर इसी तरीके से सी इज सो पुअर, वह इतनी गरीब है, दैट शी कैन नॉट पे हर फी, की वह अपनी फीस नहीं दे सकती है, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट ही जब भी तो भी वह खुश है, ही स्पीक फास्टर देन ही राइट्स, वह फास्टर ज़्यादा तेज बोल लेता है बजाय लिखने के, उससे ज़्यादा देन, एंड गीता विल गो इफ़ यू अकम्पनी हर, गीता जाएगी यदि तुम उसका साथ दोगे, ठीक है, इफ़ यू अकम्पनी, यदि तुम उसके साथ रहोगे, इट माने यदि, तो होता क्या है, तो कंजक्शन फिल कर से बस उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसके हिसाब से वहाँ पर इसको लगा दिया जाएगा, ठीक है। देन माने ज़्यादा हो गया, कंप्लीट डिग्री, येट माने तो भी, दो माने यद्यपि, तो यहाँ पर हर किसी के लिए मीनिंग पता होना चाहिए, तो आराम से यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सरसाइज देखिए, माई फ्रेंड इज पुअर, मेरा फ्रेंड पुअर है, मेरा फ्रेंड गरीब है, ही इज सेटिस्फाइड, लेकिन वह क्या है, येट या तो भी वह डिससेटिस्फाइड है। अब मेरा फ्रेंड गरीब है तो भी वह क्या है, डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, तो भी लग सकता है, वैसे बट भी लग सकता है। ही विल नॉट मेक मच प्रोग्रेस, वह ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, मतलब ही विल नॉट मेक मच प्रोग्रेस, मच ही ट्राई, तो ही विल नॉट मेक मच प्रोग्रेस, वह ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, एज मच ही ट्राइज, मतलब वह उतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता जितनी की वह प्रयास करता है, तो यहाँ पर आ गया एज। द लेडी अराइव्ड, लेडी वहाँ पर पहुँची, वैन वी आर टेकिंग आवर सफ़र, जब हम क्या कर रहे थे, सफ़र मतलब रात्रि भोज कर रहे थे, रात का हल्का खाना, वो सफ़र कहते हैं। थर्ड सेंटेंस, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट आई शैल बी एबल टू कम, कि मैं वापस, कि मैं आ पाऊँगा, कि मैं आ पाऊँगा, आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा। द बेबी कैन वॉक, शी कांट टॉक, द बेबी कैन वॉक, बेबी कैन वॉक, बेबी चल सकती है लेकिन वह बात नहीं कर सकती, तो बट शी कैन नॉट टॉक, लेकिन वह बात नहीं कर सकती, तो यहाँ पर लगेगा बट। तो बस इसी तरीके से मीनिंग देखते जाइए, और जो आपको लग रहा हो कि सुटेबल कंजक्शन है उसका यूज करिए। नॉट ओनली द वुमन, ना केवल औरत ओल्ड है, बट हर हस्बैंड इज ओल्ड, बट ऑल्सो हर हस्बैंड इज ओल्ड, बल्कि उसका जो हस्बैंड है वो भी ओल्ड है, ना केवल वुमन ओल्ड है बट ऑल्सो हर हस्बैंड इज ओल्ड। देयर वॉज नो बडी, कोई भी नहीं है, बिफोर अस हमारे सामने, द मैन कुड नॉट जंप ओवर द वॉल, आदमी वॉल दीवार के ऊपर से नहीं जा सका, बिकॉज इट वॉज टू बिग, क्योंकि वे क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, इट वॉज टू हाई, ठीक है, क्योंकि, तो यहाँ पर रीजन है, बिकॉज आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू मेक, तो मेरे केवल एक रिक्वेस्ट है करने के लिए। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज जस्ट एज गिफ्टेड एज यू, तो एज का मतलब यहाँ पर की तरह, तो मेरा जो फ्रेंड है वो उतना ही गिफ्टेड है तुम्हारी तरह ही, एज यू गिफ्ट एज यू, तो माई फ्रेंड इज जस्ट एज गिफ्टेड, तो मेरे फ्रेंड ने भी मतलब बिल्कुल वैसा ही गिफ्ट दिया है जैसे तुमने दिया है, तो यहाँ पर यह है, माई फ्रेंड इज जस्ट एज गिफ्टेड, मेरे फ्रेंड ने भी वैसा ही गिफ्ट दिया जैसा तुमने दिया है। इट इज़ नॉट क्वाइट सर्टेन, यह पक्का नहीं है, दैट ही विल कम ईदर, क्योंकि यहाँ पर और लगा है, सॉरी, तो ईदर ही विल कम और नॉट, कि वह आएगा भी या नहीं आएगा। आई लाइक यू मोर, तो यहाँ पर मोर आ गया कंप्लीट डिग्री, मोर
या कंप्लीटली ई आज है वाइजर लॉन्गर, तो यहाँ पर देन लग जाएगा टी एच ए एन, क्योंकि और था तो इधर और हो गया, अगर नॉर होता तो नीदर नॉर लग जाता, ठीक है। आई लाइक यू मोर देन, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। नेक्स्ट यू स्पीक, ठीक है, तो यू स्पीक तुम बात करते हो, एज यू वर श्योर ऑफ योर फैक्ट्स, तो यू स्पीक तुम ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम फैक्ट के बारे में बिल्कुल श्योर हो, एज माने जैसे। ही केम, वह आया, डैश ही कुड नॉट स्टे लॉन्ग, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रह सका। ही केम बट ही कुड नॉट स्टे लॉन्ग। नेक्स्ट वेयर, सॉरी, कम एट टाइम, क्या कह रहे हैं, कम एट टाइम, समय से आना, आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूँ। कम एट ए टाइम, तो कह रहा है कि कम एट ए टाइम आई एम लेस बिजी, सॉरी, कम एट ए टाइम आई एम लेस बिजी लिखा है, तो ऐसे समय में आना जब मैं कम बिजी हूँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वेन आई एम लेस बिजी, जब मैं कम व्यस्त हूँ तब आना, उस समय आना जब मैं कम व्यस्त हूँ, ठीक है। आर यू श्योर, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है, डैट यू नो, कि तुम्हें पता है, डैट यू नो ही लिव्स, वह रहता है, मतलब वह जहाँ वह रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर, डब्ल्यू एच ई आर वेयर माने जहाँ, वैसे होता है कहाँ, लेकिन जुड़ते समय जे कंजक्शन जहाँ मतलब हो जाता है। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, सिंस मंडे, हैज बीन हैव बीन आता है ना, तो जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है। अगर गिनती में कुछ भी आएगा, टू डेज, थ्री डेज, फोर डेज, फाइव डेज, तो वहाँ पर फॉर लग जाएगा, यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। दिन का नाम आया है, इसकी जगह पर टू डेज, थ्री डेज आता, या टू मंथ, फोर मंथ आता, काउंटिंग में आ जाता है वन टू थ्री करके, तो फॉर लगाते हैं। जहाँ भी बीन होगा, हैव यू बीन सीन, परफेक्ट कंटिन्यूस। नीदर, अब देखो नीदर आ गया तो आराम से हो जाएगा, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो ना तो वह ना ही उसके दोस्त, आर टू ब्लेम, उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। वेट